करनाल से कुछ किलोमीटर दूर गांव नेवल से गुजरने वाली नहर में घीड़ गांव के एक व्यक्ति संजू द्वारा ससुराल वालों से तंग होकर एक सुसाइड नोट लिखकर नदी में छलांग लगाई गई, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए ससुराल वालों को दोषी ठहराया। मृतक संजू के परिवार वालों ने बताया कि काफी दिनों से संजू के ससुराल वालों के साथ झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते संजू ने तंग आकर यह कदम उठाया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। मृतक के परिजनों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि रात को मोटरसाइकिल, मोबाइल और सुसाइड नोट नदी के किनारे छोड़कर संजू ने आत्महत्या कर ली और नदी में कूद गया, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। उसके साथ पहले भी दो तीन बार ऐसा हो चुका था, उन्होंने अपने भाईचारे में यार दोस्तों सारों को दिखाया, उसके कपड़े उतरवा के उसका कमर भी लाल सारा, यानी थोड़ा थोड़ा बहुत परेशान कर रहा था। ससुराल वालों ने मारपीट की, ससुराल वालों ने, कल गया था दिन में तो उसने जैसे वहाँ पे दोबारा फिर मारपीट करी उसके साथ। उसके बाद उसने रात को अपना एक कागज पे लिखा, सारा लिख के उसने व्हाट्सअप किया अपने भाई को, भाई मैं अपनी दुनिया इस टाइम छोड़ के जा रहा हूँ। तो उन्होंने फिर रात को 10-11 बजे अपना सारा व्हाट्सअप करके भाईचारे को सुसाइड नोट भी व्हाट्सअप किया, सुसाइड नोट भी व्हाट्सअप सुसाइड नोट लिख के बाइक पे रख के अपनी पे। किसको जिम्मेदार ठहराया है? जिम्मेदार अपने ससुराल वालों को। तो ससुराल वालों ने बहुत न्याय किया, मोटरसाइकिल रात को 11 बजे उन्होंने आठ पे कटी करके और सुसाइड नोट छोड़ के और उस सुसाइड नोट का फोटो करके अपने सारे भाइयों को व्हाट्सअप किया। तो अभी डेड बॉडी कोई मिली है? डेड बॉडी कोई नहीं मिली और पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन खड़ा है जी यहाँ पे। और क्या कार्रवाई चाहेंगे? कार्रवाई हम ये चाहेंगे कुछ तक और को बुलाया जाए, हमारी जो हमारी डेड। क्या नाम था उनका? उनका संजू था जी। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप झा जी, तो क्या घटना हुई है ये बताना थोड़ा। शुक्रवार की है जी, कौन सी तारीख थी? शुक्रवार नहीं, दो तीन दिन शुक्रवार ना श्राद्ध भी समझा का वो लेकर भाई तो तुम टेंशन न लो मेरी का बपार। फिर 12 बजे बतावा सरदार वहाँ कहने लगे भैया 12 बजे मोटरसाइकिल आई नहर पर, उन्होंने कहा 12 बजे हमने देखा होगा कपड़े मोबाइल और जी उसका कागज जो लिख रखा था उनके नाम भेजने में पीट रखा जी, वो पुलिस ले गई जी। तो अब तक बॉडी मिली नहीं है? ना जी बॉडी नहीं मिली जी। कोई ढूंढने वाले आए प्रशासन की ओर से? ना जी कोई नहीं आया जी। क्या नाम आपका? दिलू राम। क्या लगता था आपका? प्रदीप झा जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। मेरा भाई है, चाचा का छोकरा है। क्या नाम था? संजू भाई। कहाँ काम करता था? ये गड्डी चलाता था। कितनी उम्र है? उम्र लगभग 40 के आसपास है। कहाँ चलाता था गड्डी? गड्डी तो अपने मतलब लोड करता था, जहाँ से भी माल मिलता था किराया करा था, किराए पर चला करा था गड्डी अपनी थी। अनाज मंडी में? नहीं नहीं, वैसे लोड करा करता, कोई वैसे प्लाई कर लिया, फोन कर लिया कोई भी। कब की घटना है ये? ये लगभग रात की घटना है जी, 12 बजे 11 बजे के आसपास की घटना है। कैसे पता लगा आपको? ये सवेरी मैसेज आया जी, सरपंच साहब के पास किसी ने मैसेज करा, चौकीदार आया हमारे पास, तो बताने लगा भाई तुम्हारे भाई गांव का कोई ऐसा बंदा है, हमने आए यहाँ से तो सवेरी पता लगे हमने, तो देखा भाई उसकी आपने भाई अपनी बाइक आया था। कहाँ पे है बाइक? बाइक तो लेके थे पुलिस वाले जी। अच्छा अच्छा, तो और कुछ भी कपड़े वगैरह भी? हाँ कपड़े भी उतार के इधर रखे थे, सुसाइड नोट भी मिल रहे जी उससे। क्या लिखा सुसाइड? सुसाइड नोट पे लिख रखा है कि उसके साले ने, दो साले हैं उसकी घरवाली साली, काफी आदमी ने उसको 3-4 दिन पहले पिटा था। किस बात को लेकर? बस वैसे ही ऐसा था जी, वो किराए पर करा करा था गड्डी, तो पैसे वो अपने घर ही पंचायत करा दी, जितने पैसे ले कमाया करा था वो घर ही पंचायत था, उसके ऊपर झगड़ा हुआ था तो जाके वो घर जा रही थी उसकी घरवाली, वो लेने गया तो उसने देख आई नहीं हो, फिर वो पीट पाट दी, बुरी तरी हालत से पीट रखे थे। क्या नाम है इनका? संजू। इनको पिटा था? हाँ इनको पिटा है। उसके साले ना, दो साले। तो अभी तक पुलिस नहीं आई मौके पे? पुलिस भी आई थी और खड़ी आई। गोताखोर वगैरह? गोताखोर अभी नहीं आए जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।